मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आ रही थी कि वजन घटाने के लिए हम जीरे का पानी पिए, अजवाइन का पानी पिए, नींबू पानी पिए या सौंफ का पानी पिए, कौन सा पानी पीना चाहिए जिससे जल्दी वजन कम होगा। तो मुझे लगा इस पर क्लैरिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। एक एक को कमेंट का रिप्लाई करने से अच्छा है कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ, ताकि जो लोग कॉमेंट नहीं कर रहे हैं, नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन दिमाग में डाउट है, उनका भी डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो हम इन चारों ड्रिंक के बारे में बात करेंगे कि किस चीज से आपको क्या फायदा होता है, किसको पीना चाहिए, किसको नहीं पीना चाहिए। तो शुरू करते हैं हमारे पहले ड्रिंक के एनालिसिस से, जो कि है लेमन ड्रिंक। लेमन ड्रिंक यानी कि नींबू पानी। यहाँ पे जो बात हो रही है नींबू पानी की, वो शिकंजी की बात नहीं हो रही जिसमें आप नमक, चीनी और नींबू घोलते हैं। यहाँ बात हो रही है लेमन वाटर, जो कि सुबह सुबह लोग पीते हैं गर्म पानी में नींबू निचोड़ के। ये आपको हाइड्रेट करने के लिए बहुत अच्छा है, आपके पेट को क्लियर करता है, आपके डाइजेशन को सही करता है, क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी का होता है। तो जिन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, उनको ये काफी फायदा पहुंचाता है। तो इसको लेने में कोई बुराई नहीं है, साथ ही साथ ये आपके पेट को क्लियर करता है। तो उससे क्या होता है, जब आपका पेट क्लियर होता है तो जो आपके पेट में जमा गंदगी है वो बाहर निकल जाती है, जिससे कि आपका फैट लॉस होता है। यानी कि जो आपके पेट पे जमा गंदगी है उसकी वजह से जो पेट फूला हुआ रहता है वो आपका काफी हद तक कम हो जाता है। किन लोगों को लेमन वाटर नहीं लेना चाहिए, तो देखो लेमन वाटर ऐसे तो हर कोई ले सकता है, लेकिन जिन लोगों का टूथ एनामल खराब है, दांत ऑलरेडी खराब है, दांतों का ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम छोटा मोटा चल रहा है, उन लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह के लेमन वाटर नहीं लेना चाहिए। फिर भी अगर आप पीना चाहते हैं तो आप इसको स्ट्रॉ से पीजिए, डायरेक्ट मत पीजिए, क्योंकि जो नींबू होता है उसका ज्यादा सेवन आपके दांतों को खराब कर सकता है। कई लोगों को डाउट होता है कि नींबू पीने से हड्डियां खराब हो जाती हैं, हड्डियां गलने लगती हैं। तो देखो एक दिन में अगर आप एक नींबू पीते हैं तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपकी हड्डियां सुरक्षित हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में पीते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो ये सुन लेते हैं कि नींबू से वजन कम होता है या नींबू से स्किन का ग्लो आता है, तो देखो ऐसा होता है, ये चीज ठीक है, लेकिन हद से ज्यादा अगर आप पियोगे, तीन तीन चार चार नींबू एक दिन में पियोगे, तो ये आपको फिर नुकसान करेगा। इसके अलावा नींबू में विटामिन सी होता है, जो आपके बालों की और आपकी स्किन की हेल्थ के लिए अच्छा होता है, साथ ही साथ आपके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसको आप आराम से पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनेटली आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है, जिससे कि जो आपका पेट का मोटापा है वो इससे कम होता है। दूसरे ड्रिंक पे आ जाते हैं, जो कि है जीरा वाटर। जीरा वाटर में हम लोग क्या करते हैं, जीरे को आपको रात को सोख करके रखते हैं, सुबह जीरे वाले पानी को हम पीते हैं। और जो जीरा होता है, कुछ लोग उसको चबा चबा के खा लेते हैं, कुछ लोग उसको नहीं भी खाते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं। तो जीरा क्या करता है, जीरा आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, और जब आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है तो आपका वेट भी जल्दी कम होता है। इसके अलावा जीरा वाटर से आपकी जो एपेटाइट है, जो आपको बार बार भूख लगती है, क्रेविंग्स होती है, उस पर भी आपका काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। नॉर्मल तौर पे अगर देखा जाए तो जीरा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि ना तो ये बहुत गर्म प्रवृत्ति का होता है, ना ही बहुत ही ठंडी प्रवृत्ति का होता है, तो इसे कोई भी ले सकता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक मैंने किसी के ऊपर नहीं देखा है। तो जीरे को कोई भी ले सकता है, ऑब्वियसली आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, तो आपके फैट लॉस में डेफिनेटली हेल्प करता है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, आप कोई सा भी ड्रिंक पीजिए, ड्रिंक के साथ साथ आपको अपनी ओवरऑल कैलोरीज को भी ट्रैक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जीरा पानी पी लेंगे, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा तो आपका वजन घट जाएगा, नहीं। इसके अलावा आपका कैलोरी का सही इंटेक होना चाहिए, जितना आपका बीएमआर है उसके हिसाब से आप थोड़ा सा डेफिसिट में कैलोरी लीजिए, साथ में आप इन ड्रिंक को पीजिए तो जरूर आपको हेल्प होगी। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे ड्रिंक पे, यानी कि हमारा अजवाइन वाला पानी। अजवाइन का पानी भी सेम ऐसे ही बनाया जाता है जैसे जीरे का पानी। कुछ लोग अजवाइन को पानी में बॉईल करके फिर उसको छान के पीते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है, वो भी आप ले सकते हो। लेकिन अजवाइन में दिक्कत क्या है कि अजवाइन की तासीर काफी गर्म होती है, तो जो लोग कंसीव करने की सोच रहे हैं या जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनको अजवाइन नुकसान कर सकती है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन पे एक्ने का दिक्कत है, पिंपल्स होते हैं, या आपको स्किन एलर्जी है, सपोज कि आपको बहुत जल्दी खुजली आना शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी स्किन पे दाने पड़ जाते हैं, सनलाइट में जाते हैं तब भी आपको बहुत जल्दी उससे रिएक्शन हो जाता है, यानी कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आपका जो शरीर की प्रवृत्ति है वो थोड़ी गर्म है, तो आपको अजवाइन को अवॉइड करना चाहिए। हालांकि अजवाइन भी आपके डाइजेशन को बेटर करती है, आपकी जो बार बार क्रेविंग्स होती है उसको कंट्रोल करती है, और जो भी खाना आप खाते हो उसको डाइजेस्ट करने में आपकी काफी हेल्प करती है। तो अजवाइन को लेते वक्त अपनी बॉडी कंडीशन का ध्यान रखिए, अगर आपको ये चीजों की प्रॉब्लम नहीं है तो आप अजवाइन ले सकते हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प करती है। चौथा और सबसे जरूरी है फेनल सीड ड्रिंक। फेनल सीड यानी कि सौंफ का पानी। सौंफ के पानी की सबसे अच्छी बात यह है,
कि ये आपके पेट के साथ साथ आपके गम हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। पहली चीज तो ये बैड ब्रीदिंग की प्रॉब्लम को कम करता है, दूसरा जो भी खाना आप खाते हो उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में भी आपकी काफी हेल्प करता है। बाकी जो ड्रिंक्स हैं ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं, आपका जो भी खाया हुआ उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करें चारों चीजों का तो फेनल सीड ड्रिंक एक ऐसा ड्रिंक है जो कि आपको सबसे ज्यादा हेल्प करता है वेट लॉस। एक तो आपका डाइजेशन बेटर करता है, आपकी गम हेल्थ के लिए अच्छा है, खाना अच्छे से आपका हजम हो जा रहा है, और दूसरा खाना हजम होने के साथ साथ खाने का पूरा न्यूट्रिशन भी आपको एब्जॉर्ब करके दे रहा है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं और मुझसे कोई ये ड्रिंक पीने के लिए कहा जाए तो मैं फेनल ड्रिंक पीना पसंद करूंगी, यानी कि सौंफ का पानी लेना पसंद करूंगी। पहली बात तो टेस्टी बहुत होता है, मीठा मीठा सा लगता है, नेचुरल स्वीटनर होता है। दूसरा गम हेल्थ के लिए अच्छा होता है, बेड ब्रीदिंग का प्रॉब्लम इससे आपको नहीं होता। तीसरा आप इसको किसी भी मौसम में ले सकते हो, सौंफ को चबा के खाना भी आसान है, नॉर्मली भी हम लोग खाना खाने के बाद सौंफ खाते ही हैं, इसको चबा चबा के खा सकते हो जिससे कि इससे पूरा फाइबर भी आपको मिलेगा और आपके इंटेस्टाइन भी इससे क्लियर होगी। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी चारों ड्रिंक्स के बारे में। आई होप कि अभी आप आराम से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा पीना है कौन सा नहीं पीना है। अगर आप चारों ड्रिंक पी सकते हो या पीने के लिए आप एलिजिबल हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना टीथ की प्रॉब्लम है ना बॉडी हीट की प्रॉब्लम है, मेरा आपके लिए सजेशन होगा कि आप हर वीक बदल बदल के पीजिए। एक वीक आप सौंफ का पानी पीजिए, अगले वीक जीरे का पानी पीजिए, फिर अजवाइन का पानी पीजिए, फिर नींबू पानी पीजिए। इस तरह से बदल बदल के अगर आप चारों ड्रिंक्स को लेते हैं तो चारों ड्रिंक्स से आपको फायदा होता है, डेफिनेटली आपको वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं। सो फ्रेंड्स जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।